मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। जल संस्थान के महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए सिविल इंजीनियर के घर के दरवाजे व ताले तोड़कर बीती रात बदमाश करीब 100 तोले सोना वे 25 लाख रुपए कैश चोरी करके ले गए। इंजीनियर का परिवार कल से ही दिल्ली गया हुआ था, जहां इंजीनियर जकी उर रहमान का लीवर कैंसर का आज ऑपरेशन चल रहा है। सूचना मिलते ही उनका बेटा तुरंत ही मेरठ आ गया। दरअसल जकी उर रहमान जल संस्थान से करीब 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। वह मेरठ के नौचंदी थाना अंतर्गत भवानी नगर में अपने बेटे माजुर रहमान व पत्नी के साथ रहते हैं। बीते दिवस वह अपना ऑपरेशन कराने दिल्ली बसंत विहार गए हुए थे। घर पर कोई नहीं था। बीती रात बदमाशों ने मौका पाकर घर के दरवाजे व ताले तोड़कर सारा माल समेट लिया। इस बारे में बेटे माजुर रहमान ने यह जानकारी दी। हम लोग कल अपने वालिद को दिखाने हम डॉक्टर के गए थे, डॉक्टर के नहीं हॉस्पिटल गए थे, ILBS बसंत कुंज में। और हमारा मेरे पापा का वहाँ इलाज चल रहा है लिवर का, उनको लिवर कैंसर है, तो अब आज ऑपरेशन था उनका। तो अब हमें वहाँ पे मुझे ये खबर मिली कि ऐसे ऐसे घर में चोरी हुई है। और आज हम अब जो आए हमने देखा कि दरवाजों को तोड़ रखा है, आप देख भी सकते हैं ये दरवाजे टूटे हुए हैं। हमारी सारी अलमारियों को पूरा तोड़ के, उसमें से सेफ को तोड़ के गोल्ड और कैश सब ले गए हैं। कितने की समझो ये गोल्ड का? हमारी देखिए कैश तो नियर अबाउट कितना था कुछ आप बता सकती हैं? जी 20-25 लाख रुपए तो कैश है, और गोल्ड भी नियर अबाउट 100 तोलों के करीब है, 100 तोले के करीब, 90-100 के बीच में गोल्ड है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, मतलब हमारा डीवीआर, वाईफाई जिससे कनेक्टेड था, वो वाईफाई का राउटर वाउटर सब ले गए, कुछ नहीं खींच के सब तोड़ के ले गए। आप यहाँ देखिए कि एक राउटर इस वजह से कि उसके ऊपर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे क्योंकि बंद करने के, तो वो भी उठा के ले गए। सूचना हमारे यहाँ हमारे बाहर दुकान में है नैयर भाई, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपके यहाँ ऐसे ऐसे चोरी हुई है और आप आ जाइए, तो तब मैं फ़ौरन वहाँ से चला हॉस्पिटल से। सफाई वाली आती है उनको भी सूचना सफाई वाली ने दी। सुबह में जब वो आई उसने गेट खोल देखा कि गेट टूटे पड़े हैं, क्योंकि बाहर यहाँ सहन की सफाई होती है, तो जब उसने देखा तो उसके वजह से ये चीज़ हुई, पता चली, उन्होंने हमें बताया और हम फौरन वहां से चले, जबकि मेरे अभी फादर का ऑपरेशन चल ही रहा था। गेट की चाबी सफाई वाली के पास रहती थी? नहीं, गेट की चाबी सफाई नैयर, जो नैयर है जो हमारे बाहर हैं वो उनके ये पीछे हमारे साथ ही हमारे घर के ही हैं, लेकिन उनके पास रहती है। जी अगले जी घर में शादी की तैयारी भी हो रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।